Kakali Ghosh, Kolkata, West Bengal. Yeah, sir. Bhalo achi. Bhalo achi. I'm from Kolkata, sir. I have a small laboratory glassware manufacturing unit in Kolkata. And it's around about 50 years. That unit is for 50 years. My father used to run it. And last 17 years, I'm doing that business. And several times I have taken loan, but last year I had a big financial crisis because there was a huge order for me and I couldn't provide the materials for lack of fund. So I went to my bank, United Bank of India, and they gave me loan within 5 to 6 days. They took all my papers. Kitna diya? Kitna loan diya? 10 lakh. 10 lakh. Mm-hmm. Yeah, 10 lakhs they have given me, and I'm doing it. I'm doing for working for manufacturing unit, laboratory glass apparatus, and I've provided work for 7 people. And many are working indirectly with me also. ये पूरी तरह आप करती हैं कि परिवार के लोग कर रहे हैं और आपके नाम पे चल रहा है क्या है? नहीं मैं पूरा मैं ही करती हूँ. And मेरा बाबा के गुजरने के बाद बाबा नहीं चाहती थी मैं लड़की होने के वजह मैं बाबा नहीं चाहती थी मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ. But it was my so I joined that business. I'm a chartered accountant, intermediate. I have completed my intermediate in chartered accountancy, and I worked for CAC, but I didn't go for that. I wanted to do business. मुझे खुशी है कि बंगाल की एक बेटी अपने पिताजी के मन में आशंका होने के बाद भी एक एंटरप्रेन्योर बनती है. मैंने एक बार स्टार्टअप का एक कार्यक्रम किया था तो नए नए स्टार्टअप करने वाले सब नौजवानों को बुलाया था. उसमें एक बेटी आई थी जो बंगाल से थी. शायद वो आज टीवी पे कहीं सुनती होगी तो उसको आश्चर्य होगा. तो मैंने इन बच्चों को कहा कि भाई आप जरा बताइए अपने अनुभव. तो उस बेटी ने बढ़िया अनुभव बताया. उन्हें कहा मेरे परिवार के लोग तो सरकारी नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन और बोले मैंने मेरी माँ को कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं तो स्टार्टअप करना चाहती हूँ. तो उसने कहा जैसे ही मेरे मुंह से स्टार्टअप सुना, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है, बोले उसका तुरंत जवाब था महाविनाश. तो मुझे सर आई वांट टू हाँ बताइए. So I want to give you attention, draw your attention please, to something. Please. Because I am working for research and development products. I am working with research and development products, and there's the fund. We need some more fund for that research and development. Mein funding kam ho rahe hai. Isliye hum log research and development mein funding hone se हमारा जो बिजनेस है वो उसका ग्रोथ भी होगा और मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती हूँ. देखिए आपने सही सोचा है, सही मुद्दा उठाया है. ये बैंक की एक मानसिकता रहती है कि रिसर्च में वो रिस्क नहीं ले पाते. उनको लगता है पता नहीं ये रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने साल के बाद मिलेगा, पैसे डूब जाएंगे. तो और भारत में एक सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि सामान्य लोग भी अपना जो कारोबार है उसको थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज लाते हैं, लेकिन इनोवेशन करके एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने के साहस रखने वाले बहुत कम होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतने रूटीन कारोबार से संतुष्ट नहीं हैं, आप स्वयं एक नया इनोवेटिव एक्टिविटी करना चाहती हैं, नया कुछ रिसर्च करना चाहती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और किसी भी देश की प्रगति में जितनी ताकत एंटरप्रेन्योरशिप की है उतनी ही ताकत रिसर्च और इनोवेशन की है. तो मुझे खुशी हुई कि आपने रिसर्च और इनोवेशन को बल दिया है और आपके माध्यम से आज मुद्रा योजना के जो भी लोग बैठे हैं
उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आपका भले ही छोटा कारोबार क्यों ना हो, कोई न कोई इनोवेशन, कोई न कोई रिसर्च आपको करना ही चाहिए। अपनी कार्यशैली बदलने के लिए इनोवेशन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो उसमें नया रिसर्च करना चाहिए। आपकी बात को मैं ध्यान में रखूंगा और मुद्रा योजना में बैंकों को भी मैं सलाह दूंगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर कोई काम करता है, इनोवेशन के लिए कोई काम करता है, तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाए। मैं जरूर आपकी बात पहुंचाऊंगा। और वन थिंग मोर सर, जी, वी आर पेइंग 18% जीएसटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स एंड इट्स इक्विवेलेंट टू लग्जरी गुड्स। दैट्स द रीजन आई हैड टू पे मच टैक्स ओवर इट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देखिए, हमारे देश में इतनी लोग गरीब हैं, इन गरीब को अगर बाजार से गेहूं खरीदने जाएगा तो बेचारा भूखा रहेगा। क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारा गरीब से गरीब भी व्यक्ति भी दो टाइम खाना खा के सो जाए? अगर उसको खाना खाना है तो हमें गेहूं में सब्सिडी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हमें अगर वो चावल खा के सोना चाहते हैं तो उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी? नहीं। हमारा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या गरीब को फी माफ करके पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? गरीब बच्चे के पास स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, क्या मेरे देश के गरीब को यूनिफॉर्म देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए भारत में हम सब ने टैक्स देने का माहौल बनाना चाहिए। टैक्स देना यानी एक पुण्य का काम है, समाज के आखिरी तबकों की भलाई के लिए काम है। मुझे बराबर याद है, मैं आपको घटना सुनाता हूं। 1987-88 का कालखंड होगा, मैं नया नया राजनीति में आया था, मैं राजनीति में बहुत देर से आया, और 84 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में साफ हो गई थी, अटल जी समेत सब लोग हार गए थे, हमारे दो ही एमपी थे, तो एकदम से भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल था। 87-88 में अहमदाबाद कॉरपोरेशन का चुनाव आया और मजा ये हुआ कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जहां 11-12 कॉरपोरेटर थे, हम 2/3 बहुमत से जीत गए। बीजेपी की कॉरपोरेशन बन गई। अब कॉरपोरेशन तो बन गई, मैं नया नया राजनीति में आया था, मुझे कुछ ज्यादा समझ भी नहीं थी। एक बार मैं हमारे यहाँ साबरमती बस स्टैंड टॉप है, वहाँ से मैं लाल दरवाजा बस में ट्रैवल कर रहा था, तो दो नौजवान बस में बातें करने लगे। एक दूसरे को कह रहा था, यार टिकट लेनी चाहिए बस में, तो दूसरा कहा, नहीं नहीं यार, कंडक्टर तो अपना पहचान वाला है, वो चार आने में ले दे देंगे तो वहाँ उतार देगा। तो दूसरे का नहीं, देखिए अब बीजेपी की म्युनिसिपैलिटी बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, हमें टैक्स देना चाहिए, टिकट लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो दूसरा आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि ये पाई पाई का सही उपयोग करेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो कल तक बस में 1 रुपये के बजाय 4 आना देकर के, कंडक्टर को देकर के ट्रैवल करने की आदत रखते थे, उनके मन में भी विश्वास पैदा हुआ था। मैं 87-88 की बात कर रहा हूं और खुद का अनुभव बता रहा हूं। मैं समझता हूं हमारे देश में हमने ये आदत बनानी चाहिए। हाँ, साथ साथ सरकार पाई पाई का सही उपयोग करे, इसके लिए भी जागरूक रहना चाहिए, सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये टैक्स के संबंध में एक माहौल बनाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि ये सरकार बनने के बाद 20 मिलियन से ज्यादा लोग नए टैक्स देने के लिए आगे आए हैं। सबको लग रहा है कि देश के गरीब के लिए, देश के गांव के लिए, गरीब के घर में टॉयलेट बनाने के लिए, गरीब को चूल्हा गैस का देने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, आप कल्पना, 5 करोड़ परिवार हैं जिनको रहने के लिए घर देना है। क्या मैं मेरे ये 12-15 रुपये के लिए, टैक्स के लिए मैं यही कहता रहूंगा? और इसलिए आपका रिसर्च एंड इनोवेशन के सुझाव के लिए मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन देश के गरीब के लिए, देश के विकास के लिए, आप जैसे लोगों ने अधिकतम टैक्स देने के लिए लोगों को आने आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे नए कारोबारी, हाँ, क्या बैंक में लोन लेने के लिए आपको 10,000 करना पड़ा है? नहीं करना पड़ा है, नहीं, पहले करना पड़ता था। अगर उतना ही पैसा बच गया, उसको अगर टैक्स में दे देंगे तो भी मेरे देश का कल्याण हो जाएगा।
तो आइए मेरे साथ जुड़िए, विचारों को बदलिए, नई दिशा पकड़िए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।